मैं हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जाने बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में किस तरह के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे सवाल। ईशान किशन ने ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, सीएम नीतीश ने दिया बधाई। अब बिहार के आईएएस अधिकारियों को देना होगा अपनी अचल संपत्ति का विवरण। अब बिहार में साइरन से मिलेगी वज्रपात की चेतावनी। जल्दी करें ये काम, नहीं तो पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन एयरफोर्स ने 250 रिक्तियों के लिए भर्ती जारी किया। एयरफोर्स स्टेशन कानपुर ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 250 पदों के लिए भर्ती जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक को 10th क्लास पास होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस की सारी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट http://indianairforce.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जाने बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में किस तरह के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे सवाल। बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र के फॉर्मेट जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इस फॉर्मेट से अभ्यर्थी पता कर पाएंगे कि मुख्य परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं या किस पैटर्न पर सवाल प्रश्न पत्र में मौजूद होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सिविल इंजीनियरिंग और मानव शास्त्र छोड़ सभी विषयों के फॉर्मेट एक समान होंगे, जिनमें सिलेबस के अलग अलग भागों के तहत कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पहला व चौथा प्रश्न लघु उत्तरीय होगा। वहीं मानव शास्त्र में सिलेबस के 3 पार्ट है, इनमें सेक्शन 1 से 2 प्रश्न होंगे। सेक्शन 2 के 2 उपभाग ए और बी होंगे। वहीं सेक्शन 3 में भी 2 प्रश्न होंगे। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में 4 पार्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार में उद्योग लगाने के लिए करना होगा केवल ये एक काम। प्लग एंड प्ले के तहत बिहार में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में उपयुक्त जमीन या सेट प्राप्त करने के लिए केवल ये एक काम करने होंगे, जिसके बाद आपको आसानी से सेट उपलब्ध हो जाएंगे। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निवेशकों को इस सेट को पाने के लिए बियाडा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग के अनुसार सेट के लिए 15 साल के किराए पर समझौता किया जाएगा। बता दें कि प्लग एंड प्ले निर्माण का उद्देश्य वैसे उद्यमियों की मदद करना है जो जमीन के अभाव में उद्योग नहीं लगा पाते हैं। इसके तहत उद्यमियों को जमीन के साथ साथ बिजली भी मुहैया कराई जाएगी। ईशान किशन ने ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, सीएम नीतीश ने दिया बधाई। बीते दिन ईशान किशन ने चट्टोग्राम में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा, जिसके बाद बिहार में जश्न का माहौल देखने को मिला है। वहीं ईशान किशन के माता पिता ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जानकारी के लिए बता दें कि ईशान किशन ने यह दोहरा शतक जड़कर अपने नाम एक शानदार उपलब्धि हासिल कर ली है। अब उनका नाम दोहरा शतक लगाने वाले क्लब में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 126 गेंदों पर लगाकर हासिल की है। इसके साथ ही उनके इस रिकॉर्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बधाई देते हुए कहा गया है कि ईशान किशन के द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया है उससे न केवल राज्य बल्कि पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। ईशान के इस प्रदर्शन से दूसरे खिलाड़ियों को भी सीख लेनी चाहिए। मिट्टी जांच के लिए लैब की संख्या व क्षमता बढ़ाने की जरूरत। राज्य में मिट्टी जांच के लिए लैब की संख्या में कमी होने के कारण और किसानों के बीच इसको लेकर जागरूकता नहीं होने के कारण किसान मिट्टी जांच कराए बिना ही जरूरत से अधिक खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में कर देते हैं। इसलिए अब राज्य में मिट्टी जांच के लिए लैब की संख्या व क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में राज्य के सभी जिले में एक एक और राज्य स्तरीय एक सेंट्रल लैब मौजूद है। ग्रामीण स्तर पर पूरे 44 लैब है, लेकिन इन सभी लैबों में पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं किया गया है, जिसके पीछे का कारण है इन लैबों को सही समय पर अनुदान मुहैया नहीं हो पाना। फिलहाल राज्य में मौजूद सभी तरह के सक्रिय मिट्टी जांच लैब की संख्या करीब 50 है, जिनमें प्रति लैब 10,000 नमूना जांच करने की क्षमता है, जबकि किसानों की संख्या राज्य में करीब 1,60,00,000 है, जिस वजह से समय पर किसानों को उनकी मिट्टी की रिपोर्ट मिलने में काफी समय लग जाता है।
मिशन 60 के तहत अब युवाओं को मिलेगी नौकरी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले लोगों को और वहां मौजूद मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग और मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा चलाए जा रहे मिशन 60 के तहत युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बता दें कि अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में स्थानीय भाषा के जानकारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब अस्पतालों में आए मरीजों को उनके प्रश्नों के जवाब उनके ही भाषा में मुहैया कराया जाएगा। विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार राज्य के सरकारी अस्पतालों को कम से कम 5-5 जानकार रखने होंगे। अब बिहार के IAS अधिकारियों को देना होगा अपनी अचल संपत्ति का विवरण। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि बिहार के सभी IAS अधिकारियों को अपने अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बता दें कि अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के लिए निर्धारित की गई तिथि 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक घोषित की गई है। यानी कि बिहार के IAS अधिकारियों को अपनी 2022 की वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक विभाग के पास ऑनलाइन स्पैरो जमा कर देना होगा। वैसे अधिकारी जो अपने 2022 वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं उन पर विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब बिहार में सायरन से मिलेगी वज्रपात की चेतावनी। वज्रपात जैसे प्राकृतिक कहर से बचने के लिए बिहार सरकार के बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग के द्वारा एक नए पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अब यहां के लोगों को वज्रपात का अलर्ट सायरन बजाकर दिया जाएगा। बता दें कि यह सूचना हूटर के माध्यम से दी जाएगी ताकि लोगों को पहले से ही सतर्क किया जाए और अपने लिए सुरक्षित स्थान की खोज कर सके। हूटर देश में कई जगहों पर पहले से लगाए जा चुके हैं, लेकिन वह हूटर समुद्री तूफान को लेकर लोगों को सतर्क करते हैं। हालांकि जिस हूटर को बिहार में लगाया जा रहा है वो बिजली गिरने की सूचना 3-5 किलोमीटर रेडियस के लोगों तक पहुंचाएगी। नीतीश सरकार ने डॉक्टरों के लिए जारी किया नया फरमान। बिहार सरकार के द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुविधा पहुंचाने के लिए डॉक्टरों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें अब बिहार के सरकारी डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती मरीजों का दिन में 2 बार राउंड लेना होगा, जिसमें से पहला राउंड का समय सुबह 8:30 से 9 बजे तक तय किया गया है, तो वहीं दूसरा राउंड 5:30 से 6 बजे तक होगा। हालांकि ठंड को देखते हुए राउंड के समय में बदलाव किया गया है। ठंड में पहले राउंड के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन शाम के राउंड के समय में बदलाव करते हुए 4:30 से 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ओपीडी सेवा के समय में भी बदलाव किया है। अब ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और 4:30 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं ठंड के समय शाम का समय 3 से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। गया में 2 ट्रेनों से 2.5 करोड़ का गोल्ड बरामद। DRI पटना और RPF गया के द्वारा गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गाड़ी संख्या 12379 अप सियालदह अमृतसर जलियावाला बाग एक्सप्रेस तथा सियालदह नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से चेकिंग के दौरान 2 करोड़ से अधिक का सोना बरामद किया गया है, जिसके बाद कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब तक तीनों के नाम का खुलासा RPF के द्वारा नहीं किया गया। बता दें कि इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई के लिए DRI की टीम अपने साथ अपराधियों को पटना लेकर आई है। चेकिंग के दौरान बरामद किए गए गोल्ड की अनुमानित कीमत 2,57,76,000 रुपए के बताए जा रहे हैं। भारत में 6G नेटवर्क के लॉन्चिंग में IIT पटना का भी रहेगा योगदान। भारत में 1 अक्टूबर 2022 को 5G लॉन्च किया गया था, तो वहीं अब भारत में 6G को भी लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 6G को 2030 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल इसके लिए शोध का कार्य IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी तथा सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च के द्वारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अब जल्द ही इसके शोध कार्य में बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटना IIT भी जुड़ने वाला है। इस बात की जानकारी पटना 6G पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन समीर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पी हनुमंत राव के द्वारा दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
बीटीआर में लगाया जा रहा है अनाइडर मशीन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जानवरों और वहां के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहां अनाइडर मशीनें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए अभी कुछ ही जगहों को चयनित किया गया है। बता दें कि इस उपकरण के लगने के बाद जैसे ही इस उपकरण के सामने कोई वन्य जीव आता है तो जोर से सायरन बजने लगेगी, जिससे वन्य जीव वापस जंगल में भाग जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक दरुआबड़ी गांव के आसपास के जंगल और खेत से सटे 16 अनाइडर मशीन लगाए जा चुके हैं। वहीं हनराटाड वन क्षेत्र में भी 15 उपकरण लगाए जाएंगे। अगर इन स्थानों पर यह मशीन लगाना सफल होता है तो आने वाले समय में पूरे वीटीआर वन क्षेत्र में रिहायशी इलाकों के पास भी इस उपकरण को लगाया जाएगा। पंजाब में हुआ बिहार का जवान शहीद, 3 महीने बाद होना था रिटायरमेंट। पंजाब राजस्थान बॉर्डर के सूरतगढ़ में बिहार के वैशाली जिले का 50 वर्षीय जवान संजय कुमार शहीद हो गया। बता दें कि संजय कुमार थल सेना में नायक सूबेदार के पद पर पंजाब के अमृतसर में तैनात था। मिली जानकारी के अनुसार 3 महीने बाद ही यानी कि फरवरी 2023 में उनका रिटायरमेंट होना था। वहीं उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि कहीं से गोली आकर उन्हें लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। संजय कुमार की 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। बीते दिन शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उनके अंतिम यात्रा के दौरान उनके निवास स्थल महनार थाना क्षेत्र जे महनार नगर के वार्ड संख्या 09 माली टोला में संजय कुमार अमर रहे के नारे लगाए गए। बिहार में 48 घंटे बाद और बढ़ेगी ठंड। बिहार में पछुआ हवा की गति का प्रभाव तापमान पर भी पड़ रहा है। प्रदेश के अधिसंख्य जिलों के तापमान में गिरावट व आंशिक वृद्धि का क्रम जारी है। मौसम विज्ञानी की माने तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति होने के कारण ठंड में अत्यधिक वृद्धि नहीं होने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 2 से 3 दिनों के दौरान पछुआ हवा की गति में वृद्धि व पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड में वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटे से 72 घंटे के भीतर राज्य में तापमान और गिरेगा, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने की आसार है। वहीं राज्य में आज सुबह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बिहार में 29 दिसंबर से फुटबॉल लीग की शुरुआत। बिहार में खेल को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए पहली बार बिहार में अल्फा स्पोर्ट्स अकादमी और बिहार फुटबॉल संघ के द्वारा 29 दिसंबर से AIFF यानी कि एलिट यूथ लीग टूर्नामेंट की शुरुआत की जा रही है। खेल प्राधिकरण DC रविंद्र संस्करण के अनुसार यह फुटबॉल लीग 17 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए आयोजित की जा रही है, जिनमें 4 बाहरी टीम और 1 घरेलू टीम भाग लेगी। वहीं जो भी टीम इस टूर्नामेंट में विजेता या उपविजेता होते हैं उन्हें आई लीग के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि आई लीग जनवरी 2023 के अंत में आयोजित की जाएगी। बताते चले कि AIFF लीग को देश के 10 जगहों पर आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 1 स्थान बिहार भी है। ललन सिंह दूसरी बार बने JDU अध्यक्ष। बीते दिन शनिवार को JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को JDU के अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया। बता दें कि यह लगातार दूसरी बार है जब ललन सिंह को JDU के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ललन सिंह को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया और उनको उनकी नई अध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी गई। बता दें कि ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां आने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा चुनौती 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। इसके साथ ही ललन सिंह के सामने बिहार में JDU को सशक्त बनाने जैसी और महागठबंधन संघ सामंजस्य बिठाने जैसी चुनौती होगी। सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार के कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि सुधाकर सिंह RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ गन्ना किसानों की अनदेखी का आरोप मढ़ा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से यहां मौजूद कई चीनी मिले अब बंद होने के कगार पर आ पहुंची है। गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नहीं किया जा रहा, इसकी पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया जा रहा और इन सभी चीजों का परिणाम यह निकल रहा है कि अरबों रुपए का कारोबार अब बिखरने की नौबत पर आ गया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हो, इससे पहले भी उनके द्वारा नीतीश सरकार पर सवाल उठाए गए हैं।
नीतीश के खास नेता ने दी चेतावनी, विपक्षी एकता की मुहिम को बताया जरूरी। बीते दिन पटना में जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री समेत जदयू के बाकी नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय सचिव केसी त्यागी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिन जगहों पर भी आमने सामने की लड़ाई करनी पड़ी है, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ ही एक ही मंच पर लाना बहुत जरूरी है और नीतीश कुमार ऐसा जरूर करेंगे। वो सभी विपक्षी दलों को एक साथ करने के लिए लगातार दूसरी पार्टियों से संपर्क में है। इसके साथ ही उन्होंने सभी विपक्षी को आगाह करते हुए कहा कि सभी एक साथ एक मंच पर नहीं आए तो गुजरात जैसा ही हाल होगा। कुर्नी में हार के बाद लड्डू बांटते नजर आए मुकेश सहनी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी लड्डू बांटते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी ने यह लड्डू रिजल्ट के दिन बनवाए थे। वहीं अपने इस लड्डू बांटने को लेकर मुकेश सहनी का कहना है कि वो इस रिजल्ट से खुश है, क्योंकि उन्होंने जो भी वोट लाया है वो अपनी काबिलियत से लाया है। उन्होंने इस उपचुनाव में सभी वर्गों के द्वारा सहयोग दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में लालू, नीतीश और रामविलास पासवान के बाद मैं चौथा नेता हूं जो खुद की मेहनत से नेता बना। जल्दी करें ये काम, नहीं तो पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय। अपनी पहचान साबित करने के लिए सरकार के द्वारा कई दस्तावेज जारी किए गए हैं। इन्हीं दस्तावेजों में से एक पैन कार्ड भी शामिल है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए। जी हाँ, पैन कार्ड से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जिसके तहत अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स के द्वारा एक ट्वीट कर कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जल्द ही आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, देर न करें, इसे आज ही लिंक करें। ईशान और विराट ने बचाई लाज, लेकिन सीरीज बांग्लादेश के नाम। चट्टोग्राम में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में ईशान किशन के दोहरे शतक और विराट कोहली के शतक के दम पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 227 रनों से हरा दिया। हालांकि सीरीज पर बांग्लादेश ने पहले ही कब्जा कर लिया था, लेकिन टीम इंडिया ने अंतिम वनडे में जीत दर्ज अपनी लाज बचा ली है। यह भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर का 72वां शतक था और इसी के साथ उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ते हुए सचिन के बाद विश्व के दूसरे सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसका आगाज 14 दिसंबर से होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में मद्रास भारत में नगर निगम बनाया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में शुरू हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में 1960 में 15 नए पैसों का विशेष डाक टिकट जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को दे दी। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में सुमार दिलीप कुमार का जन्म 1922 में हुआ था। भारत के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री और 25 जुलाई 2012 से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 में हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी लीसी सैमुअल का जन्म 1967 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे 500 रुपए नोट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 500 रुपए नोट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए का वह नोट नकली है, जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास न होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। आरबीआई के अनुसार दोनों ही तरह के नोट मान्य होते हैं। व्हाट्सएप पर डिलीट हुआ मैसेज देखे ऐसे। अगर आप भी व्हाट्सएप पर डिलीट किया गया मैसेज देखना चाहते हैं तो एक थर्ड पार्टी ऐप की मदद से डिलीट किया गया मैसेज पढ़ सकेंगे और साथ ही कॉन्टैक्ट का पता भी नहीं चलेगा कि उसकी ओर से डिलीट किया गया मैसेज पढ़ा जा चुका है। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से गेट डिलीटेड मैसेज डाउनलोड करना होगा। यह ऐप डिलीट किए गए मैसेज का रिकॉर्ड रखती है। यह ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशन देनी होगी और इसे सेटअप करना होगा। अगर आपको व्हाट्सएप ओपन करने
मोबाइल पर कोई मैसेज डिलीटेड दिखता है तो ऐप में आकर वह मैसेज चेक कर पाएंगे। ध्यान रहे, यह ऐप नोटिफिकेशन पैनल में आने वाले मैसेजेस ही सेव करती है। जापानी अरबपति युसाकु मेज़वा 8 लोगों को कराएंगे चंद्रमा की सैर। जापान के अरबपति युसाकु मेज़वा स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान के जरिए 8 लोगों को चंद्रमा की सैर कराएंगे। बता दें कि इन 8 लोगों में से बालवीर धारावाहिक में काम करने वाला अभिनेता देव जोशी का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही एक कोरियाई पॉप स्टार टीओपी, अमेरिकी डीजे स्टीव आओ की फिल्म निर्माता ब्रेडन हॉल और यूट्यूबर टीम डोट का भी नाम इस सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस सूची में ब्रिटिश फोटोग्राफर करीम इलिये, चेक गणराज्य के कलाकार एमी एडी और के फोटोग्राफर रियानोन एडम भी टीम में शामिल हो सकते हैं। युसाकु मेज़वा के द्वारा इस चांद भ्रमण के लिए आवेदन लेना 2021 में शुरू किया गया था। बता दें कि यह यात्रा युसाकु मेज़वा की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, रामनवमी मांझी, सत्यम रंजन, अंजलि कुमारी, बाबा कुमार, गोनर शर्मा, राम सेवक, के सिन्हा, जयंती राज, मुन्ना कुमार, मुटु रंगीला, राम नरेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार नेहरा, विजेंद्र सिंह, रघुनंदन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार वर्तमान में भारतीय टीम में सबसे बेजोर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन से हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।